अगर आप गांव में जाओगे, भेड़ गांव में चले जाओ, वहां लेफ्ट राइट का कोई कानून होता है? आपने कभी देखा है कि साइकिल वाला जो निकला भी है तो लेफ्ट पे चला रहा है? एक जरा सी गली है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, जो निकल गए जरा से निकल जा, है ना, लेफ्ट लेफ्ट कुछ नहीं होता। तो वहां नियम, ट्रैफिक के नियम मालूम ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या, तो समझते हैं बस हमारे को तो उस जगह पहुंचना है। अब वो कैसे भी पहुंचे, दूसरे के साथ टक्कर ना करें बस, है जी। परंतु हकीकत के अंदर ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि आप अगर कानून के हिसाब से चलोगे तो आपको बचाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बचे चले जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आप राइट पे चल रहे हो रोड के, मोटरसाइकिल राइट में चला रहे हो, तो कितना बचाना करना पड़ेगा कि टक्कर ना हो। सही बात है गलत बात है? परंतु यदि सब ट्रैफिक के नियम पालन कर रहे हो तो क्या होता है प्रभु जी? वो नियम ही आपको बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो नियम ही बचा रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धर्म जो पालन करता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। जैसे कि आप नियम का जब पालन करें सबके सब, तो कौन रक्षा कर रहा है? आप नहीं, नियम आपकी रक्षा कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं, यंगस्टर होते हैं जब, और दौड़ा रहे हैं, जहां 60 की स्पीड रखी वहां 100, फिर अस्पताल नजर आए, कई बार मॉर्चरी में नजर आते हैं, है बचा ही नहीं। अब क्या हुआ, आपने नियम तोड़े, तो नियम आपको जो बचा सकता था वो बचा नहीं पाया। समझ में आया? उसका मतलब ध्यान, इस चीज को बहुत समझने वाली बात है कि धर्म धर्म रक्षिता, कि धर्म को पालन करने वाले का धर्म ही रक्षा करता है। जैसे कि ट्रैफिक नियमों को पालन करने वालों के लिए ट्रैफिक नियम ही उनकी रक्षा करता है। जैसे कि आप एक कानूनी तरीके से चलेंगे तो कानून आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आपने अगर कानून तोड़ा नहीं तो क्या हुआ प्रभु जी, उसी कानून ने आपकी क्या करी, रक्षा करी।